सभी विद्यार्थियों का आज के विज्ञान की मानसाली कारोबार के यूट्यूब चैनल तथा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम आज नेक्स्ट क्लास बीए बीएससी फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, इसमें पेपर है सेकंड, जो राजस्थान का भूगोल है यूनिट है सेकंड चल रही है। इसमें नहर परियोजनाएं, राजस्थान की जो नहर परियोजनाएं हैं इनमें हर बार तीन चार जो बड़ी बड़ी नहरें हैं, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर तथा माही बाजार तागे परियोजनाएं तथा संबल गांधी परियोजना, तो ये तीन चार परियोजनाएं के बारे में हमेशा प्रश्न आता रहता है दिमाग। तो देखो ये इस टॉपिक में जो नहर परियोजना इसमें सारा प्रश्न है माही बाजार तागे परियोजना का वितरण दीजिए तथा इसमें जो सेकंड है वो है सामाजिक आर्थिक विकास पर इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए, यानी माही बाजार तागे परियोजना का वर्णन भी करना है, विवरण देना है तथा सामाजिक आर्थिक प्रभाव भी, यानी इस नहर के द्वारा समाज पर कौन कौन से प्रभाव यानी इनके कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं। तो देखो नंबर प्रथम माही नदी का उद्गम, माही नदी का उद्गम है जो मध्य प्रदेश की धार जिले धार जिले में विंध्याचल पर्वत से है। इस नदी पर माही बाजार सागर परियोजना आरंभ की गई है। इसके अंतर्गत माही बाजार सागर बांध का निर्माण 1983 में पूर्ण किया गया। इस बांध को 1 नवंबर 1983 को इंदिरा गांधी ने राष्ट्र को समर्पित किया था। इस बांध को बनाने के निर्माण होने के बाद इस परियोजना को बागड़ और कांचन की गंगा भी कहा जाता है। बागड़ है कांचन की गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य अगर योजना के उद्देश्य की बात करते हैं तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है नदी के जल का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन, सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन करना है, जिससे दक्षिणी राजस्थान के इस आदिवासी बहुल प्रदेश में कृषि एवं अन्य आर्थिक विकास हो सके। इस उद्देश्य को जो मैं जिला सिंचाई का विद्युत उत्पादन जो आदिवासी क्षेत्र में इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1959 में 1959 में माही बाजार सागर परियोजना का आरंभ किया गया। इस परियोजना को तीन चरणों में विभक्त करके निर्माण किया गया था। वो तीन चरण देखो कौन कौन से, आप इसको साथ में लिख लिया होगा आपने, नंबर पर तीन चरणों में इसको पूर्ण किया गया। नंबर फाइव चरण है प्रथम चरण में माही नदी पर बांसवाड़ा में लगभग 16 किमी दूर बोरखेड़ा ग्राम के निकट माही बांध का निर्माण किया गया।
बांध निर्माण किया गया तथा इस बांध की जो लंबाई है, जो बांध था, इस बांध की जो लंबाई है, अगर लंबाई की बात की जाए 3109 मीटर, 3109 मीटर इस बांध की जो जल ग्रहण क्षमता है, जल ग्रहण क्षमता है वो है 6240 वर्ग किमी क्षेत्र में, क्षेत्र में भेजा हुआ है इसकी जल ग्रहण, जिससे 4350 वर्ग किमी क्षेत्र एमपी का जैसे एमपी का तथा राजस्थान का जो क्षेत्र है 1890 वर्ग किमी क्षेत्र राजस्थान का, तो ये दोनों जो क्षेत्र है इससे निर्मित जो जल है इसके अंदर में ये दोनों क्षेत्र रहते हैं, यानी एमपी का जो क्षेत्र है वो 4350 का, राजस्थान का है 1890 वर्ग किमी क्षेत्र के अंदर इसके इससे निर्मित जलाशय की क्षमता 58,500,800 लाख घन मीटर है तथा जल निकालने हेतु 14 विकास द्वार भी बनाए गए हैं, 14 विकास द्वार भी बनाए गए हैं। ये तो था फर्स्ट सेकंड के अंदर काम, अब देखो इसके उतारी अवस्था में मिटा रहा हूं, जो सेकेंड चरण है देखो द्वितीय चरण, द्वितीय चरण इस चरण में बांध से सिंचाई हेतु दाएं एवं बाएं दो नहरें निकाली गई है, जिसकी लंबाई क्रमशः दो नहर बाएं और निकाली गई, जो क्रमशः 71.72 व 36.12 किमी इनकी लंबाई बात करें दोनों की तथा इनकी वितरण विभिन्न की टोटल लंबाई है वो 854 किमी वितरिकाओं की संपूर्ण लंबाई, तो ये द्वितीय चरण के कार्य क्या गया आपको बता दिया गया, मैंने यहाँ पे मिटा रहा, ठीक है। अगला है देखो थर्ड चरण, तृतीय चरण, इस तृतीय चरण के अंदर सिंचाई के साथ साथ इस परियोजना के प्रथम विद्युत ग्रह में 2 विद्युत उत्पादन इकाइयों का विद्युत उत्पादन इकाइयों का निर्माण या शिलान्यास किया गया है या स्थापित किए, इनकी प्रत्येक जो विद्युत इकाई की इसकी क्षमता है 25 मेगावाट, तथा एक अन्य विद्युत ग्रह है
एक अन्य विद्युत ग्रह है जिसकी जो क्षमता है वो 45 मेगावाट है। 45 मेगावाट तथा एक अन्य जो ये अन्य विद्युत ग्रह है यहाँ पे 45-45 मेगावाट की दो इकाइयां स्थापित की गई है। तो ये हो गया थर्ड चरण में, ठीक है। मैं इनको मिटा रहा हूँ, आपने लिख लिया होगा या इनको ले लिया। अब देखो यहाँ पे कि माही बाजार साधक परियोजना एक बहुउद्देश्य परियोजना है। आप सभी को बता दें ये एक बहुउद्देश्य परियोजना है। इससे 1993 में छिहत्तर 540 हेक्टेयर हेक्टेयर पर सिंचाई की गई है। इस योजना में बांसवाड़ा जिले में घुंगड़ू जिले में घुंगड़ा आनंदपुरी तथा कुतलगढ़ डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा भी आप उसके बनाओगे तथा एक डायग्राम
बुक में भी देखना है या आपको नोट के अंदर भी मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सामाजिक या आर्थिक विकास पर प्रभाव। सामाजिक व आर्थिक विकास पर इस परियोजना के द्वारा सामाजिक व आर्थिक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव निम्न लिखित है। तो निम्न प्रभाव नंबर फाइव प्रभाव है, ये है इस परियोजना के द्वारा सामाजिक व आर्थिक विकास। नंबर फाइव है वह है सिंचाई क्षेत्र में लाभ। सिंचाई क्षेत्र में लाभ माही बाजार सागर परियोजना के अंतर्गत सिंचाई के लिए बांसवाड़ा के पास से दो मुख्य नहरें निकाली गई है, जिनके द्वारा दो मुख्य नहरें निकाली गई है, जिनके द्वारा बांसवाड़ा एवं दुर्गापुर जिले में सिंचाई की जा रही है। दो मुख्य नहरों से सिंचाई, इसका मुख्य क्षेत्र कृषि क्षेत्र पर पढ़ाई सिंचाई परियोजनाओं से जिससे अधिक से अधिक सिंचाई परियोजनाओं प्रति में उत्पादन अच्छा हुआ। सेकंड है विद्युत उत्पादन। दूसरा जो प्रभाव है वो इस क्षेत्र से इस परियोजना में स्थापित विद्युत की दो इकाइयां के द्वारा विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। दो इकाइयां विद्युत उत्पादन स्थापित की गई है क्षेत्र में। अगला है पशु उद्योग। पशु उद्योग की परियोजना के स्थापित होने से यहाँ पर पशुओं से संबंधित उद्योग काफी विकसित हैं। इसमें पशुधन संख्या के लिए हर प्रकार से हर क्षेत्र में वृद्धि हुई है, जिससे पशु जो उद्योग है फलीभूत वाले तथा लोगों को रोजगार की दृष्टि से इसमें काफी संभावना भी मिली है। अगला है मत्स्य व्यवसाय। मत्स्य व्यवसाय है इस परियोजना के अंतर्गत निकाली गई नहरों पर जगह जगह मत्स्य संवर्धन जो संवर्धन केंद्र है वो स्थापित किए गए, जिससे मत्स्य व्यवसाय विकसित हुआ तथा लोगों ने इसको अपनी आजीविका का केंद्र बना लिया और मत्स्य उद्योग मुख्य रूप से फलीभूत हो रहा है। आजीविका जो आदिवासी क्षेत्र है उसके विकास में सहायक। आदिवासी विकास के क्षेत्र में सहायक होना। राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिले में इस परियोजना के द्वारा कृषि के उत्पादन में वृद्धि तथा इसके बाद खनन जो व्यवसाय का के विकास तथा अनेक उद्योगों की स्थापना के द्वारा क्रांतिकारी परिवर्तन देखा गया आदिवासी क्षेत्र में इस नहर के द्वारा। अतः माही बाजार जो सागर बांध है, अतः माही की बाजार सागर परियोजना आदिवासी बहुल क्षेत्र के पूर्ण आर्थिक और सामाजिक जो विकास है यहाँ का, अगर रोजगार की दृष्टि से देखा जाए या कृषि की दृष्टि से देखा जाए या इसमें विद्युत उत्पादन की दृष्टि से, तो जो आदिवासी बहुल क्षेत्र का जो बांसवाड़ा का डूंगरपुर उन क्षेत्रों में एक वरदान के रूप में स्थित हुआ है और उनका जो जीवन बदल दिया है इस नहर के द्वारा। तो इसमें तथा कुछ चेंजेज है वहाँ पे शिक्षा प्रशिक्षण तथा उनको जो नवाचार है कृषि के अंदर, तो इस उनको और देने की आवश्यकता है। यहाँ पे इस नहर से इस क्षेत्र की काया कलर जो काया थी वो बढ़ती तथा बहुत से भी ये और अच्छे रूप में वहाँ पर थी। तो ठीक है, क्या धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलेंगे।